उस्मान शेरवानी का नाम लिख दिया ना तुमने? अरे भैया लिख दिया, कितनी बार पूछेंगी, बस ये बता दें उन्हें बमा अहलो अयाल बुलाना है या अकेले बुलाना है। हाँ हाँ, विद फैमिली। उनके यहाँ से जब भी कोई कार्ड हमारी तरफ आया है ना, तो विद फैमिली होता है। हाँ, और अजरा, तुमने अपने जिन रिश्तेदारों को वलीमे पर बुलाना है ना, उनके नाम भी लिख लो। क्या मतलब है वलीमे में? बारात में नहीं बुलाएंगी आप? नहीं, बारात में तो ऐसे थोड़े से लोग जाएंगे ना। एक बात सुन ले अम्मी, अगर मेरे रिश्तेदारों को कार्ड जाएंगे ना, तो बारात और वलीमे दोनों के जाएंगे, वरना किसी में भी बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी बेइज्जती मत करवाएं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम, बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, चले पहले मोहल्ले में बोल के आ जाते। हाँ चलो। क्या बोल के आना? परसों वासिफ की ढोलकी रखी है ना, उसका बुलावा देना है। तो तुमने कह दिया ना मिलाद वाली को? अरे हाँ बाजी, और जब उसे पता चला कि आपके घर में, वो इतना खुश हुई कि क्या बताऊं। अरे कहीं ये वो मिलाद वाली तो नहीं है जो नसीर की शादी में भी आई थी? हाँ हाँ वही है। हाँ अम्मी, अल्लाह का वास्ता है, माफ कर दे, उस मिलाद वाली को मत बुलाएगा कसम से। उसने ना सारी औरतों के सर में दर्द कर दिया था, कबर के सांप बिच्छुओं से डरा डरा के। जिन औरतों ने एक कप चाय पी ली थी, उन्होंने चार चार कप चाय पी ये बोल के कि हमारे सर में दर्द हो गया इसकी वजह से। और मैं तो चाय बनाने में ही पूरी हो गई थी। भाई अगर आपको मिलाद कराना ही है ना, तो मैं हूँ ना इतना अच्छा मिलाद पढ़ती हूँ, मैं कसम से बचपन से ही मैं मिलाद पढ़ती आई हूँ पूरे मोहल्ले के अंदर। हाँ प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा सौ बिस्मिल्लाह, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो जरूर पढ़ो। हाँ ठीक है, फिर मैं मिलाद वाली की तरह एक जोड़ा भी लूंगी और हार भी पहनूंगी। हाँ अच्छा भाई, ले लेना। तो बाजी फिर उसे फोन करके मना कर दो। हाँ फौरन मना कर दो, कोई जरूरत नहीं उसको यहाँ पर लेकर आने की। हाय कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कमीशन मारा जा रहा है? कमीशन तो नहीं ले रही तुम उससे? तौबा तौबा, थोड़ी शर्म कर लो, किस तरह की बात कर रही हो? घर में मिलाद करवाने का कमीशन लूंगी मैं? ये काम जो है ना तुम्हारी वो दोस्त माशाल्लाह से गुलशन आरा बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, पूरे मोहल्ले में इतने महंगे कपड़े बेच रही है कि क्या बताऊं। खबरदार जो मेरी दोस्त को कुछ कहा तो। अरे तुमने कभी अच्छा कपड़ा पहना हो तो तुम्हें पता हो ना कि अच्छे कपड़े की क्वालिटी क्या होती है ना तुम। अच्छा चलो ना, देर हो जाएगी, फिर मोहल्ले में कह के आते हैं। गुलशन आरा को कह के आइएगा, वरना अगर मैं कहने गई ना तो 4 घंटे बाद वापस आऊंगी। अच्छा भाई चलो। बड़ी आई कहीं से, बारात में नहीं बुलाना, वलीमे में बुलाने ना, दोनों में बुलाऊंगी मैं तो, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे।